हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकओवर विद शायोनी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, जो कि स्पेशली मैंने क्रिएट किया है फॉर टीनेजर्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था एंड काफी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं एक टीनेजर्स पार्टी मेकअप लुक मैं क्रिएट करूँ। तो इसके लिए मैंने आज ये जो मेकअप लुक है वो मैंने क्रिएट किया है। एंड ये मेकअप लुक दिखने में जितना ज्यादा टफ लग रहा है ना, उतना ही ईजी है क्रिएट करने में। एंड ये लुक सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं, आप सभी ये लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड मैंने बहुत ही कम एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैंने यूज किया है ये लुक को क्रिएट करने में। लेकिन वीडियो में जाने से पहले मैं एक बात टीनेजर्स को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके एज 14 साल से कम है तो सिर्फ लिपस्टिक एंड काजल ही आप यूज कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी 12 साल के ऊपर ही मैं लिपस्टिक को सजेस्ट करूंगी, 12 साल के नीचे आप प्लीज लिपस्टिक भी मत यूज कीजिएगा। आप लिप बाम यूज कर सकते हो, कोई भी टिंटेड कलर आप लिप बाम यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेशली अगर आपके एज 14 साल से कम है तो आप लिपस्टिक एंड काजल के बिना कोई भी मेकअप प्रोडक्ट को आप यूज ना करें तो वो ही अच्छा होगा, क्योंकि दिस टाइम आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एंड वल्नरेबल होती है। तो इस टाइम अगर आप ज्यादा मेकअप यूज करोगे तो आपकी स्किन के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो क्योंकि मैं आपकी दीदी हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये जो बात है ये शेयर करना जरूरी समझा। तो या तो चलिए गाइस, ज्यादा देर ना करते हुए तो मेकअप करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है एंड प्रेप करना होता है। तो क्योंकि समर है तो समर में तो स्वेटिंग होगा ही, सो मैंने पहले से ही फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो अभी मैं आइस क्यूब रब कर रही हूँ फेस पे, क्योंकि आइस हमारे फेस में स्वेट को काफ़ी देर तक कंट्रोल करके रखता है। फेस में जो पोर्स है तो उसकी अपीयरेंस को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, फेस को एक हेल्दी एंड ग्लोइंग लुक देता है। तो अभी मैं थोड़ा सा टोनर स्प्रे कर रही हूँ, आप टोनर रोज वाटर जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मेकअप से पहले अगर आप ठीक से फेस को प्रेप नहीं करोगे तो मेकअप जो है वो ड्राई रहेगा, केकी लगेगा एंड फेस पे वो अच्छे से नहीं खिलेगा। सो मैं अभी यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल। तो ये मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर दोनों का ही काम बहुत ही अच्छे से करता है। तो मैं ओरिएंटल बोटनिया की एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, आप पतंजलि का भी कर सकते हो अगर आपको सूट करता है, वो भी बहुत ही अच्छे से प्राइमर का काम करता है। सो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर मैं टीनेजर्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। तो मेकअप खत्म करते करते लिप्स ड्राई ना हो जाए तो इसके लिए लिप बम इज मस्ट। सो नाउ आई एम यूजिंग लैक्मे सीसी क्रीम। तो आई थिंक ये 2 या 3 शेड में अवेलेबल है। सो टीनेजर्स को मैं बीबी क्रीम या सीसी क्रीम ही मैं सजेस्ट करूंगी। फाउंडेशन आप जितना हो सके उतना ही कम यूज़ कीजिएगा। मैं खुद फाउंडेशन बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ 2 या 3 साल ही हुआ है मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। सो दिस सीसी क्रीम हैज़ वेरी लो कवरेज, तो आप देख सकते हो कि उतना ये कवरेज बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। सो इसके लिए मैं सेकेंड बार लेयर अप कर रही हूँ, लेकिन लेयर अप करने पर भी ये बिल्कुल भी केकी नहीं हो रहा है एंड ये बिल्कुल मैट फिनिश है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कोई भी शीन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। लेयर अप करने पर भी ये बिल्कुल भी स्टिकी या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो सारे जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, तो ये एक ऑप्शनल स्टेप है। तो आपके फेस में अगर पिंपल्स, एक्नी या मार्क, स्पॉट या डार्क सर्कल्स कुछ भी नहीं है तो ये स्टेप आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि मेरे फेस में अभी थोड़ा सा पिंपल्स का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये समर जब आता है तो स्टार्टिंग में 1-2 पिंपल्स होने लगता है मुझे हर साल, सो इस साल भी हो रहा है, सो कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो ये जो कंसीलर है ये लो टू बिल्डेबल कवर देता है एंड इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है फिंगर के हेल्प से ही, आपको कोई भी ब्रश या स्पंज की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट को हम पाउडर से सेट करते हैं, तो इसके लिए मैं ये ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, तो मेरी जो कंसीलर है एंड सीसी क्रीम है उसको सेट करने के लिए, ताकि जो बेस है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए एंड फिर हम जितना भी इसका स्वेटिंग करें हमारे फेस से बिल्कुल भी वाइप आउट ना हो जाए। सो टीनेजर्स के पास क्योंकि ज़्यादा ब्रश नहीं होता है तो इसके लिए मैंने पूरी वीडियो में कहीं पर भी मैंने ब्रश यूज़ नहीं किया है। ये जो एक ब्यूटी ब्लेंडर है मैंने उससे ही पूरा मेकअप मैंने किया है। सो लोकल मार्केट में आपको इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर 70-80-100 रुपीज़ में इजिली मिल जाएगा। सो नाउ आई एम फिलिंग माई आईब्राउज। तो ये मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल है, 60 या 70 रुपीज़ का आता है, बहुत ही ज़्यादा चिप है लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आईब्राउ पेंसिल है। सो आपके अगर आईब्राउज थ्रेडिंग हुआ हो या नहीं भी हुआ हो, लेकिन फिर भी अगर आप आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्राउज को थोड़ा सा ग्रूम कर लोगे तो आपके जो होल लुक है वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो टीनेज में हमारे पास तो ज़्यादा मेकअप की चीज़ें नहीं होता, सो इसके लिए मैं ये ADS रॉकस्टार पैलेट से ये जो हाइलाइटर शेड है तो उसको मैं एज अ आई शेडो यूज़ कर रही हूँ एंड मैं अपनी पूरी आईलिड में इसे प्लेस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पैलेट है तो अपनी पॉकेट मनी बचा के तो आप ये पैलेट तो खरीद ही सकते हो।
नेक्स्ट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ये शेड को पिक करूँगी एंड अपनी क्रीज में मैं अप्लाई कर लूँगी एंड हल्के से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो आपको जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी ब्रश की ज़रूरत नहीं है, तो ब्यूटी ब्लेंडर की जो पॉइंटी साइड है तो उससे ही आप अपनी क्रीज में जो कलर है वो आप प्लेस कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। बस ये दो ही कलर मैं यूज़ करूँगी एज आई शेडो। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा हेवी आई शेडो लुक मैं क्रिएट नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे कि आप टीनेजर हो तो आपकी एज में इतना ज़्यादा हेवी आई शेडो लुक अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा एजी लगेगा। सेम कलर से मैं अपने आईज़ की इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूँगी। सो मैंने लिया है ब्लू हेवन की स्केच आईलाइनर एंड मैं एक विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी। तो पेन आईलाइनर यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है लिक्विड आईलाइनर से, तो इसके लिए मैंने पेन आईलाइनर लिया है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल पेन आईलाइनर है एंड काफ़ी अच्छा जेट ब्लैक आईलाइनर है। तो पूरी ये जो आईलाइनर है मैं उसको फिलअप नहीं करूँगी, सिर्फ ये जो विंग पार्ट है मैं उसको ही फिलअप करूँगी। नेक्स्ट मैं लूँगी रेड लिपस्टिक, तो वांड में जो भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक है मैं उसको वाइप कर लूँगी एंड देन जो भी गैप है आईलाइनर का वो मैं फिलअप कर लूँगी। तो मेरी ड्रेस रेड कलर की है तो इसलिए मैंने रेड लिपस्टिक लिया है। तो आपकी ड्रेस जो भी कलर की है तो वो कलर की लिपस्टिक या आपके पास अगर कलरिंग आईलाइनर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टाइलिश एंड फंकी लुक देने के लिए मैं करूँगी फिश टेल आईलाइनर। तो उसके लिए मैं पहले काजल से मेरी लोअर लैश लाइन में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी एंड देन मैं ये जो स्केच आईलाइनर है तो उसकी हेल्प से जैसे मैंने ऊपर विंग क्रिएट किया है वैसे ही मैं नीचे भी विंग क्रिएट कर लूँगी। सो आईलाइनर आप कितना ज़्यादा थिक करोगे या थिन करोगे या जो विंग है वो आप बड़ा करोगे या छोटा करोगे वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। सो विदाउट अप्लाइंग मस्कारा आई लुक बिल्कुल भी कम्प्लीट नहीं होता है, तो इसके लिए मैं ये मिस क्लेयर की मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल मैंने नया खरीदा है तो ये एक डिसेंट मस्कारा है इस प्राइस में। सो ये लुक फॉल्सेस लगाने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं स्पेशली टीनेजर्स के लिए मैं क्योंकि ये मेकअप लुक कर रही हूँ तो इसके लिए आज मैं कोई भी फॉल्सेस अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ मैं मस्कारा ही अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूँगी ब्लश एंड वही ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ही थोड़ा सा मैं पिक करूँगी एंड देन जो क्लीन साइड है ब्यूटी ब्लेंडर का मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी। सो मैं आज कोई भी कंटूरिंग या ब्रॉन्जिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी टीनेजर्स अपनी एज से 10 साल बड़ी दिखे, क्योंकि हर एज में एक अलग मेकअप होता है। तो अगर आप 14, 15 या 17, 18 साल में अगर आप 25 या 30 साल के जैसे मेकअप करोगे तो वो आप पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो हाइलाइटर इज़ इन ट्रेंड नाउडेज, तो इसके लिए हमें तो हाईलाइट करना पड़ेगा, कंटूर नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हाईलाइट तो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ब्यूटी ब्लेंडर का क्लीन साइड है तो उसकी हेल्प से मैं थोड़ा बहुत हाइलाइटर अपनी जो हाईएस्ट पॉइंट है फेस का तो उसमें मैं अप्लाई कर लूँगी एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड थोड़ा सा मैं अपने फेस को ग्लोई ग्लोई कर लूँगी। तो लिपस्टिक लगाने से पहले अगर लिप्स को अच्छे से लिप लाइनर से लाइन एंड फिल कर लोगे तो एक तो लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग होगा ही, ऊपर से ब्लीड भी नहीं करेगा एंड अगर कुछ खाने के बाद लिपस्टिक फेड भी हो जाए तब भी नीचे क्योंकि वो सेम कलर की लिप लाइनर है तो बिल्कुल भी खराब नहीं दिखेगा। नेक्स्ट मैं वही सेम रेड लिपस्टिक स्विस ब्यूटी का वही मैं अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो आप न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हो, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सो लास्ट में मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए डोंट फॉरगेट टू स्प्रे अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो आपको मार्केट वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे ही यूज़ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप घर में कैसे DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे बना सकते हो उसका वीडियो भी मैंने बना दिया है ऑलरेडी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी एंड वो मेकअप सेटिंग स्प्रे भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, लव यू 3000, बाय।